सौंदर्य, पहले तो काफी कमाल की जर्नी आपकी रही है, जिस तरह से लोगों ने आपको प्यार किया है। लोग पहले भी आपको काफी अमेजिंग प्यार करते थे, और उससे ज्यादा अब तो मैं जिस तरह ट्विटर की बात करूँ, सोशल मीडिया में आपको काफी प्यार मिल रहा है। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि आपने ऐसी क्या कुछ तय करके गए थे कि उस घर में मेरे को ये जाके अचीव करना, और अचीव किया, और क्या आपने अचीव नहीं किया है अब तक? सबसे पहली बात तो ये है कि आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं गई और चीज़ें ऐसी बन गई कि बिग बॉस ने मुझे बुला लिया, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी बिग बॉस नहीं देखा है, और मुझे पता नहीं कि रियलिटी शो में कैसे रहना है, कैसे कंडक्ट करना है, और ना मेरी कोई प्रिपरेशंस थी। सो आई थिंक ये चीज़ शायद वर्क भी करी मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात, आप रियलिटी शो में जा रहे हो तो आप रियल रहो, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग रियल इज़ आपको याद नहीं रखना पड़ेगा आपने क्या फेक किया था। सो आई एम जस्ट बीइंग माईसेल्फ, जो मैं आपके सामने हूँ ना, मैं वहीं यही वहीं पर हूँ, एंड आई डिडंट हैव टू रिमेंबर कि मैंने किससे दोस्ती में कैसे बिहेव करना है, किसके साथ कैसे रहना है। सो बहुत कुछ मैंने अचीव कर लिया है। सबसे बड़ी चीज़, मैंने आप लोगों का प्यार पा लिया है, और सच्चाई की वही मैंने आपको बोला कि सबसे बड़ी ताकत है कि आपको याद नहीं रखना है कि झूठ क्या बोला था। जो कि वहाँ बहुत लोग ऐसे हैं कि दे डोंट अबाइड, बट मुझे उसमें नहीं जाना है। और शायद उनकी उस चीज़ की वजह से मुझे और ये लगता था कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे तो एटलीस्ट रहना, आई डोंट हैव टू लूज माई सेल्फ। सो प्यार बहुत मिला है, पेशेंस बहुत आ गई है, कान के पर्दे थोड़े फट गए, बट अभी इलाज चल रहा है मेरा। सौंदर्य, आपकी जर्नी की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट जब गौतम उस घर में थे और दूसरा पार्ट जब गौतम उस घर में नहीं थे। सबसे पहला पार्ट अगर मैं बात करूँ तो लोगों का ये मानना था कि दिस वॉज जस्ट फॉर गेम, एंड उसके बाद जो जिस तरह पता चला, जिस तरह आप टास्क करते थे, और जिस तरह that was not for game, तो वो दो इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा अगर आप डिटेल में, या फिर अब बाहर जब आते हो तो उन दो पार्ट के बारे में किस तरह से डिस्कशन होता है? आपने इस बार गौतम को पूछा? नहीं, एनीवे मेरी उनसे बात नहीं हुई अभी तक, मुझे दो दिन हो गए आए हुए, फोन नहीं आया उनका, तो अभी आपको पता लग गया होगा कि क्या गेम है और क्या नहीं है। एनीवे जो मेरा उनके साथ भी जो मेरा बॉन्ड था, इट वॉज वेरी जेन्युइन एंड रियल, और मैंने हर जगह, आई एम नॉट शाइंग अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दिस, मेरा जिसके साथ भी बॉन्ड बना है बहुत ही जेन्युइन, चाहे वो प्रियंका अंकित के साथ रहा हो, चाहे वो 5 हफ्ते के लिए रहा, बट वो बहुत जेन्युइन था। तो झगड़ा उनसे भी हुआ ना, तो उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। स्टैन के साथ भी था ना, उसके बाद वो मंडली में चले गए, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, तो वाई ओनली दिस? तो कहने का मतलब है कभी कभी सर्कमस्टांसेस चीज़ें ऐसी बन जाती हैं कि आपके रिश्ते तो बनते हैं आपकी तरफ से जेन्युइन, अब सामने वाले का कितना क्या है उसमें वो भी बहुत मैटर करता है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हाँ, वो जो मेरी जर्नी थी उनके जाने के बाद जो भी चीज़ें मुझे फील हुई उसके भी बहुत कारण थे, करेक्ट। एंड माय पॉइंट इज कि दो भाग में तो आपने डिवाइड किया, मेरे लिए तो सेम जर्नी है, और सबसे रिश्ते बनते हैं बिगड़ते हैं, और वो घर ही ऐसा है। हालांकि रिश्तों की शुरुआत शायद अब उस घर से निकल के अब पता लगी कि कितने जेन्युइन थे उनकी तरफ से, मेरी तरफ से तो सबकी तरफ से मेरे दोस्तों के लिए सच्चे थे, बट हाँ मुझे लगता है हम लोग जानी दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, और सब लोग अच्छे से मिलेंगे, बात करेंगे जब फिनाले पे मिलेंगे और हमारी बातें होंगी, सब गिले शिकवे हो जाएंगे, क्योंकि वो गेम का हिस्सा थे। सब लोग तो झगड़ा करते थे, बट बाहर आके कौन चीनी आटे रोटी पराठे पे झगड़ा करेगा, आप मुझे बताओ। क्या आपको लगता है कि जिस तरह आपका इविक्शन अनफेयर था, उसी तरह सेम वाइज अंकित का भी इविक्शन कई हद तक अनफेयर था? सी, मेरे केस में तो बहुत अनफेयर था, और मेरा ये नहीं था कि मुझे जाना था, अंकित को हमेशा से था कि मुझे जाना था, और मेरे टाइम में वोटिंग लाइन्स भी बंद नहीं थी, तो एज पर द वोट्स, इनफैक्ट टीना 10th वीक में जाके वापस आए थे, सो सबको भी यही था। और फिर वो सब जो हो गया कि घर वाले डिसाइड करेंगे, तो घर वाले कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ ऑडियंस के लिए हैं, करेक्ट। तो ऑडियंस का हक आप उनको नहीं दे सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न। उस टाइम पे शायद वोटिंग लाइन बंद थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अंकित का ऑलरेडी था कि मेरा हो गया है। मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती थ्रेड समझ के निकाला गया वहाँ से। क्यों? क्योंकि अगर मैं होती तो शायद वो आगे नहीं बढ़ पाते, और उसको आप बोल रहे हो अरे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अर्चना के साथ है। अगर मैं किसी की भेड़ चाल में होती या मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो टारगेट सौंदर्य शर्मा नहीं होती, क्योंकि मैं भी अलायंस बनाती, मंडली में घुस जाती, या ज़रूरत पड़ने पर अंकित चले गए तो जैसे प्रियंका ने टीना और शालीन के साथ दोस्ती किया, फिर उनसे झगड़ा किया, फिर उनको लगा कि मेरी अर्चना का झगड़ा हो रहा है, तो उन्होंने अर्चना से बात करना शुरू किया।
सो माय पॉइंट इज सबने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए सिवाय मेरे, और अगर मैंने बनाए होते गेम के लिए और मैं सोचती कि मैं वोट के लिए लोगों से दोस्ती के लिए मुझे करना है, तो आज मैं अंदर होती आपके सामने बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रही होती 2 हफ्ता पहले। सौंदर्य, क्या आपको लगता है कि इस सीजन में सबसे ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं? जिस तरह सुंबुल की मैं बात करूं, सुंबुल के पिताजी ने काफी कुछ कहा, प्रियंका के भाई ने काफी कुछ कहा, शिव ठाकरे की मम्मी ने काफी कुछ कहा, कि क्या लगता है कि इससे पहले ये सीजन के सबसे ज्यादा पेरेंट इन्वॉल्वमेंट थी और उसके वजह से घर में काफी सारी बातें बिगड़ी है? सी, मेरे को लगता है पेरेंट्स के आने से बातें बिगड़ती नहीं हैं, बनती हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। और मुझे एक्चुअली अभी तक मैं एपिसोड्स देख नहीं पाई हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि उनकी आई ने क्या बोला, उनके भाई ने कितना बोला है, या बाकियों के पेरेंट्स ने कितना क्या बोला है। बट मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली पेरेंट्स के आने से एनर्जी चेंज हो गई थी, वाइब चेंज हो गई थी। और बाहर का कोई भी इंसान आता है तो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आता है, कोई भी हो, अच्छा बुरा सबके लिए। बट वॉट इट डिड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस इज कि सबको एक इमोशनली स्ट्रेंथन किया उस चीज़ ने। और रही बात बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू की, अब हैं पॉइंट ऑफ व्यू, जो चीज़ें बाहर चल रही हैं हमको तो नहीं पता थी, करेक्ट, और मुझे तो अभी भी नहीं पता है कि किसने क्या बोला है, आई एम स्टिल गोइंग थ्रू अलॉट। तो ये तो बहुत ही अच्छा और एक यूनिक चीज़ बिग बॉस ने लेके आया कि फैमिली को भी इन्वॉल्व किया। जैसे आपका इलेक्शन गलत हुआ है, वैसे सब लोग को देते सुंबुल का गेम में कुछ इन्वॉल्व नहीं है, सुंबुल हो गया, एमसी स्टैंड हो गया, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कौन वीक है बिग बॉस में अभी? मैं ये नहीं कहूँगी वीक है, क्योंकि जिन लोगों को स्टार्टिंग से हम वीक भेड़ चाल बोलते थे वो तो फाइनल तक आ गए, और जो खेलने वाले लोग हैं वो आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। सो मेरे बोलने ना बोलने से नहीं होता, क्योंकि हमारा परसेप्शन अलग है। देन देयर इज अ सी आल्सो एक और बात है ना, कि मैंने कभी कोई टीवी शो नहीं किया है, मैं फिल्म बैकग्राउंड से हूँ और वेब शोज मैं करती हूँ, तो मेरा फैन बेस बहुत अलग है। देन सुमुल का 2 साल से टीवी शो चल रहा है, उसने एक बहुत बड़ा फैन बेस बनाया, लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। उनकी शायद वही पर्सनालिटी है कि वो इतने अग्रेसिव नहीं हैं, वो जैसी हैं शांत हैं, तो इन्वॉल्वमेंट उनका है, उनके लेवल पर है, मतलब वो जैसी हैं उस तरीके से है। अब जैसे मेरा नेचर है, मुझे बोलते थे सौंदर्य का इन्वॉल्वमेंट नहीं है अर्चना के साथ है, बट मेरा इन्वॉल्वमेंट ये है कि मैं तुम्हारी तरह कैमरे के लिए झूठा अट्रैक्शन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं रियलिटी शो में आई हूँ। आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, जस्ट बिकॉज मैं एक रियलिटी शो में आई हूँ, मैं एक झूठ मूठ का तांडव नहीं खड़ा कर दूंगी कॉफ़ी के ऊपर, आमंड मिल्क के ऊपर। सो आई थिंक ऐसे ही सबकी पर्सनैलिटी, और पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकती, तो सो इज टैंस पर्सनैलिटी, सो इज सुम्बुल्स पर्सनैलिटी, सो इज निमृत्स पर्सनैलिटी, ऐसी शिव की अलग पर्सनैलिटी है, तो सबकी अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। तो अब जैसे वो बोलते थे प्रियंका कि नहीं अंकित का इन्वॉल्वमेंट है मेरे साथ तो है, बट उनका इन्वॉल्वमेंट होना और घर में इन्वॉल्वमेंट होने में फ़र्क है। तो अभी मेरे को ये नहीं पता कि मैं इस चीज़ का क्या जवाब दूँ, कि स्टैंड मंडली में इन्वॉल्व थे कि घर में इन्वॉल्व थे, सुमुल घर में इन्वॉल्व थी, मंडली में इन्वॉल्व थी, तो सबका अपने अपने लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है। बट हाँ, मुझे लगता है कि अपनी एक अलग ओपिनियन होनी चाहिए इंसान की, दैट इज़ वॉट द शो इज़ अबाउट। सौंदर्य, क्या आपको लगता है कि आपने एक इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरह लोग साजिद खान से टच में आ रहे हैं, जिस तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो लोग कई हद तक बॉलीवुड की ब्रेक थ्रू के लिए वो सारी चीजें कर रही है जो आपको नहीं करना है, क्या आपको ये बात कितनी सच्चाई लगती है इस बारे में? सी, करते होंगे लोग जिनको करना है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि लाइक आई सेड मेरे कोई एजेंडाज रहे नहीं है। अगर मेरे हिडन मोटिव्स एजेंडाज होते थे तो शायद मैं इस चीज़ का जवाब दे पाती, तो बाहर क्या बातें हो रही थी मुझे नहीं पता। और बाय द वे, जस्ट बिकॉज किसी का किसी से एक बॉन्ड बन जाता है, मुझे नहीं लगता इस समय के लिए वो इंसान उनको सडनली मूवी ऑफर कर देगा। ऐसे तो पूरी इंडस्ट्री, सब सुपरस्टार होते हैं, सबके पास बहुत बहुत काम होता है, सबके बहुत बहुत कनेक्शंस हैं, तो ये बहुत गलत उन लोगों की धारणा थी या है, जिसने भी बोला है मुझे नहीं पता, तो ये तो कभी भी हो सकता है, वो बाहर आके पता लगता है, और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। सो ये और एक और सवाल, लास्ट सवाल जो मेरा रहेगा कि इसके आने वाले समय में क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा? ओके, तो पहला डिजर्विंग के लिए मैं बोलूंगी मेरे अलावा कि देखिए, अभी मेरे हिसाब से जिन सब लोगों ने 105 दिन निकाले वो विनर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिव एलिमेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि अपने आप में रहना ये एक विनिंग क्वालिटी है, इतने दिन वहाँ रह जाना।
सो बट मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मेरी दोस्त है अर्चना, वो जैसी भी है, जिसको जैसी भी लगती है, बट मुझे पता है कि सच्ची है और उसके कोई बहुत ऐसे मुखौटे नहीं हैं, तो और डिजर्विंग की अगर वो बात करते हैं तो मैं डेफिनेटली लोगों का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि इनको लगता था कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टास्क बहुत अच्छा लग करती है. तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वही उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है समवेयर इफ यू फील. सो एज फॉर मी माई टॉप थ्री वुड बी डिजर्विंग वन इज योर, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड अर्चना हो उसमें, अब निमृत हो, क्योंकि जो लोग सच्चे हैं, रियल हैं, जैसे भी हैं, वो लोग एटलीस्ट सामने हैं, ठीक है. तो बाकी लोगों को मुझे पता नहीं, गॉड ब्लेस देम, ऑल द वेरी बेस्ट इन फैक्ट टू एवरीबडी, एंड आई विल से मे द बेस्ट वन विन, बट ये मेरी चाहत है, क्योंकि मुझे पता है हम वहाँ 24 घंटे रहें कि कौन सच्चे हैं, कौन अच्छे हैं, कौन डिजर्विंग है. सौंदर्य, इसके अलावा कुछ आने वाले समय में अपकमिंग प्रोजेक्ट या फिर कुछ प्लान? जी, सो अभी ऑलरेडी 2-3 चीज़ें तो स्टार्ट हो गई हैं, एंड स्क्रिप्ट्स भी पढ़ रही हूँ, अभी मैं मीटिंग से ही आ रही हूँ. सो आई होप चीज़ें अच्छी रोल आउट हों और प्यार मिल रहा है, तो आई एम श्योर चीज़ें बनेंगी आगे, एंड दिस इज व्हाट आई प्रे फॉर. बीच में ही आपकी एक सीरीज भी आई थी. हाँ, देखिए आप लोगों ने प्यार मिला था, लोगों की तरफ से स्क्रीनिंग हुई थी, आप घर के अंदर थे तभी कुछ? हाँ, आई हैव नो क्लू. मैंने उस सीरीज पे बहुत हार्ड वर्क किया, मैंने उसके लिए 15 किलो वजन बढ़ाया था, जो कि लूज कर ही रही थी मैं, और उसके दौरान मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स भी छोड़े थे बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी बैक टू माई शेप, एंड अभी भी ऑलमोस्ट किया है, बट मुझे और 5-6 किलो अभी भी मेरा बचा हुआ है फ्रॉम एक्चुअली हु आई वाज फिजिकलिटी वाइज. सो मैं मिस कर रही हूँ वो चीज़ देखना, क्योंकि मैंने उसके लिए दिल जान से मेहनत करी थी, और एक एक्ट्रेस के लिए स्टार्टिंग ऑफ अ करियर इतना डी ग्लैमराइज रोल करना और 15 किलो वजन बढ़ाना, मुझे सब ने इतना बोला था, अरे तुम पागल हो गई हो, ऐसे वैसे तुम हीरोइन हो, बट मैंने वो सब नहीं सोचा बिकॉज आज के टाइम में परफॉर्मेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड आप कितना दे सकते हैं. सो आई एम ग्लैड आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा उसने किया सीरीज ने, कंट्री माफिया ने. सो या थैंक यू सो मच. थैंक यू.